Welcome back to the channel everyone, this is Prakash Mahant and you are watching PM's Motography. तो आज के ये वीडियो में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर आपने आपके बाइक पे मतलब कि मेरे बाइक पे जो फ्रंट पे वाइजर पे फैंसी मिरर्स जो लगे हुए हैं उसे मैंने किस तरह से इंस्टॉल करवाया है। तो आज का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि मैंने वो फ्रंट फैंसी मिरर्स किस तरह से इंस्टॉल करवाए हैं। तो मैं उन सब्सक्राइबर्स का नाम शेयर करना चाहता हूँ। एक है महेंद्र सालवे जी, जिन्होंने बोला है हाउ टू फिक्स योर इग्नाइटर बाइक फ्रंट मिरर, और एक है चेतन चौहान जी, जिन्होंने बोला है भाई इसके मिरर्स स्टाइलिश है तो प्लीज इस मिरर को बाइक में इंस्टॉल करने का वीडियो बनाना प्लीज। तो आज का ये वीडियो मैं इन्हीं दोनों सब्सक्राइबर्स के लिए और बाकी सब के लिए बनाने जा रहा हूँ। जो लोग नए हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो सर्च करें प्रकाश महंत। तो ये है वो मिरर्स, बेसिकली इसे फैंसी मिरर्स कहा जाता है। एक्चुअल में इसका कुछ भी नेम नहीं है। और यहाँ पे एक होल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें 1.5 इंच का स्क्रू डालना है और 2 बोल्ट्स लेने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने होल कर रखा है और वो 1.5 इंच का स्क्रू लगा रखा है। आपको बस करना ये है कि जो वाइजर है फ्रंट वाइजर उसमें आपको होल कर लेना है ड्रिलर से या फिर और किसी भी टूल से। उसके बाद आपको ये 1.5 इंच का स्क्रू उसमें डाल देना है। ये देख सकते हैं आप, हमें इसके बैक साइड से स्क्रू इंसर्ट करना है। उसके बाद हमें ये 2 बोल्ट्स लेने हैं और इन दोनों बोल्ट्स को इसमें लगा देना है। हम एक बोल्ट को पहले लगाते हैं, उसके बाद इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं जिससे कि वो स्क्रू और ये बोल्ट दोनों को काफ़ी अच्छे से टाइट कर देने से ये जो बीच में वाइज़र है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा जिससे कि ये अच्छे से टाइट रहेगा। उसके बाद हमें ये दूसरे बोल्ट को भी इसमें लगा देना है। इसे भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस जितना नीचे हो सके उतना नीचे हमें रखना है। आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखेगा। उसके बाद फाइनली हमें ये फैंसी मिरर लेना है और आप ये नीचे होल है आप देख सकते हैं, इसे हमें यहाँ पे लगा देना है। इसे पहले हमें हाथ से ही टाइट कर देना है जितना हो सके। तो मैंने इसे हाथ से जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं दोनों मिरर्स को। तो अब हमें ये 14 नंबर का टूल्स लेना है जो कि नीचे साइड पे लगेगा। स्क्रू को अच्छे से पकड़े रखे। और दूसरा हमें ये 13 नंबर का टूल लेना है जो कि ऊपर के बोल्ट को हमें टाइट करने के लिए लिया है। ये नीचे से 40 नंबर के टूल को अच्छे से पकड़ के हमें ऊपर के बोल्ट को टाइट करना है। अभी हम पहले बोल्ट को टाइट कर रहे हैं जिससे कि वाइजर टाइट हो रहा है। और ये हम अब सेकेंड वाले बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, मतलब कि उसको जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर कर रहे हैं। उसको ऊपर करने से ये जो फैंसी मिरर है वो इसके कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा अच्छी पकड़ रहेगी, तो ये टाइट हो जाएगा ऊपर वाले बोल्ट को टाइट करने से। ये देख सकते हैं आप, मैं सेकंड वाले बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे टाइट करना है।
there's nothing left to do, although no rainbow. तो टाइट हो चुका है, इसे थोड़ा सा और कर देते हैं टाइट, ये थोड़ा सा ढीला है. तो ये देख सकते हैं नीचे से कुछ ऐसा है और फ्रंट से ऐसा है. तो ये पहले बोल्ट का काम है कि ये फैंसी मिरर को वाइजर से काफी अच्छे कांटेक्ट में रखेगा और टाइट रखेगा. जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको समझ आ ही रहा होगा कि वाइजर को अच्छे से पकड़ रखा है ये स्क्रू के हेल्प से. और ये जो सेकंड वाला बोल्ट है, इसे हमने ऊपर कर दिया है ताकि ये मिरर के कांटेक्ट में काफी अच्छे से रहे और लॉक हो जाए. और अब यहाँ से मिरर को बेंड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे भी एडजस्टर दिया हुआ है, आप इसे जैसे चाहें वैसा एडजस्ट कर सकते हैं. फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है गाइस. तो आप भी इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं. ये ऑनलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर आप बाइक्स के एसेसरीज वाले शॉप में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, वहां पे आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा. और ये यूनिवर्सल है, आप इसे किसी भी बाइक्स में यूज कर सकते हैं. होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आ ही गया होगा कि वो फैंसी मिरर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं. तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल PM's Motography.